हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में पाइवोट टेबल आप कैसे यूज़ करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूं, सो दैट कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक डेटा को आपको समझा देता हूँ, पाइवोट टेबल किस लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली किसी भी डेटा का एक समरी निकालने के लिए हम पाइवोट टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एक डेटा मेरे पास है जहाँ पे आउटलेट नेम है, बिलिंग टाइप है, बिल डेट है, ग्रॉस अमाउंट है एंड जीएसटी का अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आउटलेट नेम में दो नाम है, एक एबीसी एंड एक्सवाईजेड, एंड यहाँ पे बिल टाइप में बहुत सारे हैं, कैश है, क्रेडिट कार्ड है एंड अदर भी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट से अगर मुझे देखना है कि फॉर एग्जाम्पल एक्सवाईजेड जो है उसका कैश में क्रेडिट कार्ड में कितना सेल हुआ है, या फिर एबीसी का कैश में कार्ड में कितना सेल हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, पाइवोट टेबल के थ्रू बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवोट टेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा टेबल जो है ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप किसी अमाउंट को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नया वर्कबुक आप चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग में। अगर आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो जो सेम वर्कबुक खुला हुआ है, शीट खुला है, उसी में आपको काम करने के लिए मिलेगा। बट अगर आप न्यू वर्कबुक क्लिक करेंगे, वर्कशीट क्लिक करेंगे, तो नया शीट ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया शीट ओपन हो गया है, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अपने को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स एंड रो लेबल्स एंड वॉल्यूम वैल्यूज करके हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाता है। कैसे यूज करना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आउटलेट नेम दो हैं, एक एक्स वाई जेड एंड ए बी सी है, तो मुझे पहले तो फिल्टर लगाना पड़ेगा एक्स वाई जेड एंड ए बी सी का। तो मैं क्या करूँगा, आउटलेट नेम को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे रो लेबल्स में आ जाता है, बट मुझे रो लेबल्स में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिपोर्ट में, क्योंकि मुझे पहले तो आउटलेट नेम के बेसिस पे ही रिपोर्ट निकालने हैं। तो जिस बेसिस पे मुझे रिपोर्ट निकालने हैं, पहले उनको मुझे रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। इसके बाद सारी चीज़ें हम रो लेबल्स या फिर वैल्यूज़ में डालेंगे। रो लेबल्स में फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल टाइप जो है वो हम यहाँ पे डालेंगे रो लेबल्स में। रो लेबल्स में इसे डालेंगे क्योंकि मुझे देखना है कैश में कितना सेल हुआ, क्रेडिट कार्ड में कितना सेल हुआ, स्प्लिट में कितना सेल हुआ। और आउटलेट ने मैंने ऊपर इसलिए डाला, रिपोर्ट में इसलिए डाला क्योंकि मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को देख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मुझे देखना पड़ेगा बिल डेट मुझे नहीं चाहिए बेसिकली, ग्रॉस अमाउंट चाहिए। ग्रॉस अमाउंट जैसे ही क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली वैल्यू में ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सम आ रहा है, मतलब टोटल अमाउंट आ रहा है। आप चाहें अगर आपको सम नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके या फिर डायरेक्ट क्लिक करके आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके आप यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। आपको काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्स चाहिए, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल मुझे सम चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे सम पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। वापस मुझे क्या चाहिए, आई जी एस टी अमाउंट में कोई अमाउंट नहीं है, हालांकि नहीं है मुझे पता है, बट आप चाहें तो आई जी एस टी सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली वो 00 ही आएगा अगर नहीं रहेगा तो। फिर एस जी एस टी भी सिलेक्ट कर लेंगे, सी जी एस टी भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारे अमाउंट्स वाले कॉलम है इसलिए यहाँ वैल्यूज़ में यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेरा जो पाइवोट टेबल है वो रेडी हो गया। अभी मैं रिपोर्ट सारी चीज़ें देख सकता हूँ। जैसे अगर मैं आउटलेट नेम यहाँ पे कुछ ना सेलेक्ट करूँ, ऑल करूँ, तो मुझे पूरा दोनों आउटलेट का यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाता है। बट अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक ए बी सी कंसल्टिंग का देखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ओके करूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ ए बी सी कंसल्टिंग का डेटा ही दिखेगा कि टोटल ग्रॉस वैल्यू कितना था कैश में, क्रेडिट कार्ड में, स्प्लिट में, एस जी एस टी और सी जी एस टी अमाउंट क्या था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके वापस अगर मैं चेंज करूँ इसे और मैं एक्स वाई जेड कंसल्टिंग पे क्लिक करूँ और ओके करूँ, तो एक्स वाई जेड का मुझे यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाता है। तो ऐसे बेसिकली आपको पाइवोट टेबल यूज़ करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको रिपोर्ट फिल्टर यूज़ करना है, कॉलम लेबल्स यूज़ करना है, रो लेबल्स यूज़ करना है, वैल्यूज़ को यूज़ करना है। वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।